हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आज आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्शन एंड रिएक्शन एट तंबोला गेम। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब लोग घरों में बैठे हैं, कोई किटी पार्टी नहीं होती, और किटी पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होता था डैट वॉज तंबोला गेम। और तंबोला गेम के अंदर हम सब फीमेल्स का कैसा एक्शन और रिएक्शन होता है आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। भाई मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरी जो किटी पार्टीज़ होती थी घर के अंदर होती थी और कुछ किटी पार्टी जो थी होटल के अंदर होती थी। डेफिनेटली सबका साथ, और किस तरह से हम तंबोला खेलते थे, किस तरह से हम तैयार होके जाते थे, और किस तरह से वहाँ पे जब होटल के अंदर कोई चीज़ लेट सर्व होती थी तो कैसा रिएक्शन होता था, और किस तरह से हम रिएक्ट करते थे जब खाना प्रॉपर सर्व नहीं होता था या ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होता था। तो डेफिनेटली आई एम मिसिंग ओल्ड टाइम, और ये जो मेरा वीडियो है उन सब फ्रेंड्स के लिए डेडिकेटेड है जो उस ओल्ड टाइम को हम लोग मिस कर रहे हैं। बट देखो, टाइम पास करने का हमने एक और नया तरीका भी आज़ाद कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर जो है तंबोला खेलते हैं, और जिसके अंदर क्या है कि देखो वहाँ पे नंबर जो होते हैं व्हाट्सएप के द्वारा आ जाते हैं, और उसमें भी बहुत मज़ा आता है। और उसमें भी क्या होता है कि वेरियस थीम्स होती हैं, और ये उसी थीम की एक पिक्चर है फ्रेंड्स, जिसके अंदर मेरी ये सिस्टर है वो रन करती है, जो कि बहुत ही क्रिएटिव है। कभी फ्रेंडशिप थीम के ऊपर होता है, कभी बिग बॉस थीम के ऊपर होता है, कभी वर्ल्ड टूर के अंदर होता है। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, तंबोला की जब व्हाट्सएप के ऊपर आ जाती है प्रिंट आउट ले जाते हैं, फिर उसके बाद एक अलग शांत रूम के अंदर जो है बोल दिया जाता है कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करें, आज हम तंबोला खेल रहे हैं। तो उसी तरह का आज हम देखते हैं कि जब तंबोला खेला जाता है तो उस वक्त क्या एक्शन और रिएक्शन होता है। देखो सब लोग तैयार होके, क्योंकि यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ तो फिज़िकल किटीज़ की कर रही हूँ, इसमें भी जो अब व्हाट्सएप भी खेलते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं सिमिलर होते हैं। अब देखो वहाँ पे क्या होता है कि तंबोला की गेम चल रही है, बीच में फ़ोन आ जाता है ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अब देखो जिसका फ़ोन आया, मान लो मेरा फ़ोन आया, मैं उठाना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने फ़ोन उठा लिया तो उसने नंबर बोल दिया तो मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन जब फ़ोन आता है तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो अक्यूजिंगली वो आपकी तरफ़ देखते हैं, आपको ना चाहते हुए भी फ़ोन उठाना पड़ता है, और गुस्सा आता है कि यही वक्त मिला था आपको फ़ोन करने के लिए, पता नहीं है कि मैं कितनी बिज़ी हूँ। फिर पोलाइटली प्लास्टिक स्माइल के साथ उसको मना किया जाता है, भाई अभी मैं बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर, एक घंटे के बाद फ़ोन करना। ऐसा कह के हम अपने गेम के अंदर मशगूल हो जाते हैं। अब तंबोला के अंदर देखो क्या होता है कि कई बार घर के अंदर किटी होती है तो बहुत शोर शराबा, कईयों के छोटे बच्चे होते हैं या कोई छोटा बच्चा साथ में ले आते हैं, तो वहाँ पे छोटा बच्चा जब बोलता है तो भी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो बोल दिया जाता है कि छोटे बच्चे को बाहर ड्राइंग रूम में या किसी और जगह पर बैठाओ, या इसको चुप कराओ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, या इसको कुछ खाने की चीज़ दो। जब तंबोला शुरू होता है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, और मन ही मन क्या होता है कि अब मेरी लाइन बन जाए, अब मेरा हाउस बन जाए, अब मेरा कॉर्नर बन जाए, इस तरह की फीलिंग्स होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारे नंबर बोल दिए जाते हैं और आपका कुछ भी नहीं आता, तब ऐसे लगता है कि आज किसका चेहरा देखा था कि आज कोई नंबर ही नहीं आ रहा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इस तरह के विचार जो है मन के अंदर आते जाते हैं। कि फिर उसको बोला जाता है कि नंबर थोड़ा सा हिला के बोल, शायद मेरा नंबर आ जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर आते जाते हैं बट जब बनने वाला होता है एक नंबर आ जाता है, भाई दे दे, अब मन ही मन हम कहते हैं एक नंबर दे दे मेरी लाइन कट जाएगी, मेरा लाइन एक नंबर दे दे मेरा ब्रेकफास्ट कट जाएगा, एक नंबर दे दे मेरा फर्स्ट हाउस कट जाएगा। बट इससे पहले कि वो आपका नंबर आए, उससे पहले किसी की यस की आवाज़ आ जाती है, तब मन ही मन जो है आपको लगता है कि आज तो मैं तो बहुत ही क्या है अनलकी हूँ, ना मेरी कोई लाइन निकल रही है, ना मेरा कोई कॉर्नर निकल रहा है, आज पता नहीं कैसा दिन चढ़ा है, किसका मुंह देखा है, इस तरह के विचार आते रहते हैं। और जब हमारा एक नंबर रह जाता है तो हम मन ही मन, जैसे मैं श्री राम की भगत हूँ तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
हम अपने अपने इष्ट को करते हैं कि मेरी लाइन निकल जाए, मेरी लाइन आ जाए, जब नहीं आती। और कई बार देखो ऐसा भी होता है कि आपका बड़ी देर के बाद क्या होता है कि निकलता है, लेकिन उसके बाद किसी दूसरे का भी यस हो जाता है, तो वहाँ पे भी मन मायूस हो जाता है कि 50 रुपये निकले थे वो भी किसी के साथ शेयर करने पड़ेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ी मुश्किलों के बाद आपका आता है, बट 4 जने यस बोल देते हैं तो आपका वो कैंसिल हो जाता है। तब लगता है कि आज तो सचमुच किस्मत ख़राब थी। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपकी देखो वही नंबर बोल दिए जाते हैं जो आपकी पर्ची में होते हैं, तब ऐसा लगता है मेरा लाइन हो गया, मेरा हाउस हो गया, आज तो जैसे पूरी जंग जीत की हो, कितनी किस्मत वाली हूँ मैं आज। ऐसा लगता है कि हमने मैदान जीत लिया और बहुत ही खुश होते हैं, मन के अंदर लड्डू फूटते हैं जब किटी पार्टी ख़त्म होती है। एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, अभी तूने कितने कमाए आज। ठीक है, जिसका नहीं निकला होता किस्मत ही ख़राब थी। और कई बार देखो ऐसा होता है कि जब किसी के बहुत ज़्यादा निकल रहे होते हैं तब मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आता है, बस कर दूसरों को भी आने दे। तो ये हमारी किटी पार्टी के एक्शन और रिएक्शन होते हैं जिसको कि आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ। डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द किटी मेम्बर्स।